अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और क्विक बन जाने वाली रेसिपी है ये, बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए आप भी देख लें इसे हमें कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कुक विद फरा को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इट्स टोटली फ्री। अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम्स अरबी लिया है। इसका छिलका मैंने हटाया, उसके बाद इसे मैंने इस तरह कट कर लिया है, राउंड शेप में मैंने इसे कट कर लिया है। तो जब हम अरबी को छीलते हैं तो हाथों में हमारी इचिंग होने लगती है, तो आप हाथों पे थोड़ा सा सरसों का तेल अप्लाई कर लें, इससे इचिंग कम होती है। इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए बाकी के सामान मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी के सामान में मैंने कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, ये ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर लेंगे। इसमें हम ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे, इसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और कुछ साबुत मसाले लेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन लेंगे, अजवाइन आप ज़रूर से इसमें डालिएगा। और 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता लेंगे। अरबी बादी होती है तो आप इसमें अजवाइन का यूज़ ज़रूर से करिएगा, अजवाइन इसके बादीपन को कम कर देते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 लार्ज साइज का टोमेटो लिया था, उसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं, आप इसे कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हैं। 1 मुट्ठी धनिया पत्ता है, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 3 हरी मिर्च है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज का अनियन है, जिसे मैंने ऑमलेट कट में कट कर लिया है, आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप ऐसा कर लीजिएगा। तो चलिए अरबी की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। आज मैं इस सब्जी को प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, जिससे बहुत ही आसानी से ये सब्जी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम अरबी को फ्राई कर लेंगे। एक बार आप अरबी को इस तरह फ्राई करके सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। जब हम अरबी को डायरेक्ट मसालों में डाल देते हैं तो उसमें एक चिपचिपापन होता है, वो दूर नहीं होता है। तो आप इस तरह एक बार अरबी को फ्राई करके बनाइए। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके अरबी को आप 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। अरबी को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो अरबी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो सेम ऑयल में हमें 50 ml के करीब ऑयल ऐड कर देना है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है। और अब इसमें हमें सभी साबुत मसालों को ऐड कर देना है और मसालों को हमें बस कुछ सेकंड के लिए क्रैकल करना है। और साथ ही में इसमें हमें ऑमलेट कट में कटी हुई प्याज को ऐड कर देना है। और प्याज को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज हमारी गोल्डन पिंक ना हो जाए। प्याज को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्याज में एक मिठास होती है, अगर प्याज हमारी अच्छे से फ्राई नहीं होती तो वो मिठास दूर नहीं होती है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके प्याज को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें हम अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें जो एक रॉय स्मेल होती है यानी कि कच्चापन होता है वो दूर ना हो जाए। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके अदरक लहसुन को प्याज के साथ मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। अब इसमें हमें क्यूब्स में कटे हुए टोमेटो को ऐड कर देना है और अदरक लहसुन और प्याज के साथ टोमेटो को हमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। और साथ ही में इसमें हमें सभी पाउडर्ड स्पाइसेस को ऐड कर देना है और मसालों को हमें प्याज टमाटर में बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि मसाला हमारा जले नहीं। और इस टाइम आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। तो मसालों को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक कि टमाटर हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और टमाटर भी हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें हमें फ्राई किए हुए अरबी को ऐड कर देना है
और मसालों के साथ इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तो साथ ही में मैं इसमें हरी मिर्च को भी ऐड कर दे रही हूँ। हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप हरी मिर्च को ज़रूर से ऐड करिएगा। और अब अरबी को हमें मसालों के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अरबी को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके मसालों के साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हमें ग्रेवी लगानी है, तो मैं इसमें 125 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ये हाफ कप के करीब है। तो अब मसालों में पानी को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, मैं आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें 125 ml और 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया है। तो ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें ग्रेवी को रखना है। तो अब इसकी लिड लगाकर इसे हमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर, जब एक प्रेशर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को हमें लो करके 2 से 3 प्रेशर आने तक कुक कर लेना है। आप इसके प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दीजिएगा, खुद से रिलीज़ ना करिएगा। तो गैस की फ्लेम को हाई करके मैंने इसमें एक प्रेशर, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके इसे मैंने 2 से 3 प्रेशर आने तक कुक कर लिया है। तो चलिए चेक करते हैं। और इसके प्रेशर को मैंने ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया था, खुद से रिलीज़ नहीं किया था। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए, आप ग्रेवी का कलर देख सकते हैं, कितना परफेक्ट कलर है इसका। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। अरवी की सब्ज़ी हमारी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अरवी भी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अरवी को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं कुक करना होता है, तो इसी कंसिस्टेंसी में आप अरवी को कुक करिएगा। तो अरवी की सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम लास्ट में धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इससे बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप लास्ट में इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दीजिएगा और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो अरबी की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए टेस्टी, डिलीशियस और बहुत ही इंस्टेंट बन जाने वाली सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। और आपने देखा ही होगा इसे बनाना कितना सिंपल और कितना इजी था। इसे मैंने प्रेशर कुकर में बनाया, इससे ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो जब भी आपका अरबी का सब्ज़ी खाने का मन हो तो आप इसे प्रेशर कुकर में फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ सर्व करिए, बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो 1 टाइम सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।